नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, काफी लंबे समय के बाद दिल्ली से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी यादव काफी एक्शन में हैं। आपने देखा कि जब उन्होंने वो दिल्ली से बिहार लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने कई सारी बातें सरकार के खिलाफ कही, तो वहीं पिता लालू यादव को भी लेकर भी जानकारी दी। लेकिन ये वीडियो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने जो राघोपुर पहुंचने के बाद दावा किया है उसके बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे भी कि राघोपुर जब तेजस्वी यादव कल पहुंचे, यानी कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरे पर थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका स्वागत किया जा रहा था और इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों से बड़ा दावा किया है और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। एक ही रोड जा रहे हैं, इसको पांच मिनट का हॉल्ट के हम लोग को आने जाने का सुविधा। अच्छा, डेढ़ दो महीना एक काम और सुनिए ना। हाँ, उतना कर दियो सर, बहुत दिक्कत है। जो है हम लोगों को काट के जा जाते हैं, दावन करते हैं, दीजिए ना भाई, अरे स्वागत कर दे, दीजिए ना भाई। मैंने रोजे सरकार गिरे जा रहा है, चलो चलो मत स्वागत कर दे सर, दर्शन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव के स्वागत की तैयारी की जा रही थी, लोग फूलमाला लेकर के उनके स्वागत को जुटे थे, हा हो हल्ला हो रहा था। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि बस इंतजार कीजिए, 2 से 3 महीने में बिहार की सरकार गिरने वाली है। ये बड़ा दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव काफी समय दिल्ली में थे और उसके बाद जब पटना लौटे तो शुक्रवार को वो राघोपुर पहुंचते हैं। इस दौरान राघोपुर की जनता ने तेजस्वी यादव से कटाव के निदान के लिए गुहार भी लगाई थी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने ऐसे जवाब दिया जैसे बिहार में मंद पड़ी सियासी फिजाओं में गर्मी बढ़ गई। दरअसल जवाब में राघोपुर वासियों से उन्होंने ये कहा कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिरने वाली है। तेजस्वी के इस बयान ने जहां विपक्ष में जान फूंक दी तो वहीं सत्ता पक्ष ने उल्टा आरजेडी नेता पर ही निशाना साधा। कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव के उस बयान को आप सुनिए जो उन्होंने राघोपुर में दिया है। उन्होंने जनता से क्या कुछ कहा है बिहार में सरकार गिरने को लेकर, एक बार फिर सुन लीजिए। एक ही रोड जा रहे हैं, इसको पांच मिनट का हॉल्ट के हम लोग को आने जाने का सुविधा। अच्छा, डेढ़ दो महीना एक काम और सुनिए ना। हाँ, उतना कर दियो सर, बहुत दिक्कत है। जो है हम लोगों को काट के जा जाते हैं, दावन करते हैं, अरे दीजिए ना भाई, अरे स्वागत कर दे, दीजिए ना भाई। मैंने रोजे सरकार गिरे जा रहा है, चलो चलो मत स्वागत कर दे सर, दर्शन हो गया, हो गया, हो गया। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव वैसे तो हमेशा ही कहते रहे हैं जब से बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि बिहार में नीतीश की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव दिल्ली से बिहार लौटे हैं और जाहिर है उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी फिलहाल जेल से बाहर हैं, अब वो छूट चुके हैं और पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होने को लेकर उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही पटना लाया जाएगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान जो है वो सियासत में गर्माहट ला सकता है। काफी सारी बातें तेजस्वी यादव ने इस दौरान सरकार को लेकर कही हैं जिसके बाद अब बिहार की सियासत तेज होना वाजिब माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के 2 से 3 महीने में सरकार गिरने वाले बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सपने देख रहे हैं और लगातार यही बात सत्ताधारी दल के नेता कहते भी आए हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शुरू से ही ये कह रहे हैं और जब शुक्रवार को राघोपुर में पहुंचते हैं तो राघोपुर में भी वो एक बड़ा बयान देते हैं। इस बार उनके इस बयान का अंदाज अलग होता है और उसी अंदाज से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के इस बात में दम क्या है। आखिर तेजस्वी यादव ये बड़ा दावा कर कैसे रहे हैं, क्या कुछ बिहार में खेला होने वाला है जैसा कि लगातार विपक्ष कहता आ रहा है, तो कौन सा खेला होगा ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सियासत जो है गर्मा गई है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन जाते जाते इस वीडियो को, इस बयान को तेजस्वी यादव के आप एक बार जरूर सुने। एक ही रोड जा रहे हैं, इसको पांच मिनट का हॉल्ट के हम लोग को आने जाने का सुविधा। अच्छा, डेढ़ दो महीना एक काम और सुनिए ना। हाँ, उतना कर दियो सर, बहुत दिक्कत है। जो है हम लोगों को काट के जा जाते हैं, दावन करते हैं, अरे दीजिए ना भाई, अरे स्वागत कर दे, दीजिए ना भाई। मैंने रोजे सरकार गिरे जा रहा है, चलो चलो मत स्वागत कर दे सर, दर्शन हो गया, हो गया, हो गया।